हे व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट आईजीआई 1 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक काम में देरी कैसी, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट कर चुके हैं मिशन और प्रोजेक्ट आईजीआई 1 का पहला मिशन है ट्रेन यार्ड। तो आपको पता ही होगा, तो कटसीन मैंने इसीलिए नहीं लगाया जो पहले दिखाते हैं, हमें हिदायत देते हैं, तो मैंने इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, बस हमें बंदों को ही मारना है ना। तो सीढ़ियों से चढ़ के आगे हम एक बंदे को मारेंगे और ये मिशन हम बड़े ही परफेक्ट तरीके से करेंगे। और गाइस प्लीज़ यार, मुझे अगली वीडियो के लिए टॉपिक सजेस्ट कर देना कमेंट्स में, प्लीज़ सजेस्ट कर देना टॉपिक एंड मैं अगली वीडियो उसी पे बनाऊंगा इंशाल्लाह, वरना यही सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन मैं पबजी लेके आ रहा हूँ जल्द ही। ओए दरवाज़ा किसने खोला हुआ है, जल्दी भागो यहाँ से। लेकिन मैं पबजी की सीरीज जल्द ही लेके आ रहा हूँ, तो गाइस वो भी हम खेलेंगे, लाइव करेंगे इंशाल्लाह, मज़े करेंगे। तो हम जाते हैं साइड से, आगे शायद खड़े होंगे क्योंकि वहाँ से निकले हैं ना। हमने वैसे किया कुछ नहीं था, हमने शोर वगैरह तो नहीं किया ना, फिर भी आ गए हैं वो। उतरते हैं आराम से, शायद ना ही आए अलग। वो दरवाज़ा खोल लिया, उतरी आ गए, आ गया, मार दिया यार। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, थोड़ी सी पावर पी गए फिर भी है ना, जितना भी प्रोटेक्ट कर लो कुछ पावर तो पी ही जाते हैं, नहीं पी सकते यार ऐसे, इनका बाप का राज है क्या। चलो फिलहाल हम चलते हैं वहीं जहाँ हमें जाना चाहिए, सीढ़ियों पे चढ़ेंगे एंड इस टावर पे खड़े हो गए ना, हम तकरीबन 80% लोगों को मार ही देंगे, मतलब मारेंगे सबको यहीं से, क्योंकि अगर आगे नीचे जाके मारा ना तो मतलब पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, तो वो हमें बिल्कुल ही मार के रख देती है। सीढ़ियों पे चढ़ गए हैं भाई, दो दिन लगे हैं पूरे आपको पता है। ये रही ड्रैगनू, पिक अप ड्रैगनू, बस ये उठा के सबको मार देना, पहले इस टावर वाले को, फिर इस ये जो शीशे पीछे खड़ा था, फिर इसको मारना है, फिर इसको मारना है, फिर ये बेस्ट वे है करने का, अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो कर लो, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे दीवार के पीछे एक बंदा खड़ा होता है, उसका हम वेट कर लेते हैं जब तक वो आएगा। सिक्योरिटी कैमराज ऑफलाइन फॉर 1 मिनट, हाँ यार हमें पता है, बेशक ऑनलाइन भी हों हमें कुछ नहीं होता। अबे आ भी जा, हाँ आ गया आ गया आ गया, ये गया। इस कैमरे को भी फोड़ देते हैं क्योंकि जब ऑन होते हैं ना कैमरे, वो मैप से देखते हैं एक बंदा एक और रहता है जिंदा जो खड़ा होता है, हमें नज़र नहीं आता यहाँ पे, ये देख रहे हो वो जा रहा है, बस भागो अब और क्या, पप्पू लोग भाग लो, यहाँ पे देखना वो जा रहा होगा, मैप से पता चल जाता है, काफ़ी हेल्प मैप भी करता है। और ये गेम बहुत पुरानी है इसीलिए मैंने इसे स्टार्ट किया, क्योंकि ये मेरी बहुत ही अच्छी और फेवरेट गेम है यार। आप बेशक GTA 5 ही क्यों ना ले आओ, ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट गेम रहेगी, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता। ये गया और ये गया, मार दिया सब कैमरों को, सेम सेम ऐसे ही करते जाओ, आपका मिशन हो जाएगा परफेक्ट। ये मार दिया और ये गोली है ही नहीं, क्या करें यार, साइलेंसर वाली गन से मारेंगे। हाँ अब इस गन का फीचर मैं आपको बता दूँ, ये जो गन है ना, ये हमें लगता है ऐसे शोर करती है, लेकिन इसका शोर मतलब ज़्यादा नहीं होता ना, इसमें असल में साइलेंसर लगा है, मतलब जिसको भी मारो ना, कोई और अगर बंदा कमरे में खड़ा हो या साइड पे खड़ा हो या आगे खड़ा हो, उसको सुनाई नहीं देता साउंड, ऐसा मतलब साउंड नहीं सुनाई देता कि मतलब बंदा, इसीलिए ये बहुत ही अच्छी गन है, इसलिए पहले मिशन में दिया है। मेरे ख्याल से अगर ये एक ये वाली गन और एक ड्रैगनूव दे देना मुझे हर मिशन में, सिर्फ 2 गन बस, मैं तो सबको मार कर रख दूँ, मिशन 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो भाई हम गन पिस्टल लेके जा रहे हैं, हैंड्स अप, जो भी खड़ा है हैंड्स अप, नहीं नहीं कोई नहीं खड़ा, हैंड्स अप, कोई भी नहीं खड़ा यहाँ पे भी, यहाँ से जाते हैं क्योंकि वहाँ से गए ना वहाँ पे। हाँ और आपको बता दूँ ये क्या कहते हैं यार, क्या कहना था, हाँ आगे 2 कमरों में ना 6 गार्ड खड़े होते हैं, एक कमरे में 3-3 गार्ड, एक कमरे में 3 गार्ड होते हैं, दूसरे में भी 3 गार्ड होते हैं, तो वो बड़े मतलब स्पाइडर गार्ड्स होते हैं, मतलब बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब उनकी मतलब निशाना ना कंप्यूटर जो है, AI प्रोग्रामिंग है, तो
बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी होती है उनकी। मैं आपको दिखाता हूँ, ये दरवाज़ा खोला और ये देखा, ये दो कमरे हैं ना जो इनमें होते हैं, हम साइड साइड से खिसकेंगे, अगर हम आगे से गए तो वो खिड़की से हमें देख लेंगे। ये मतलब एआई का कमाल है, हमारा तो नहीं है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि जो खुद फैसला ले सकती हो। चलो जी भागो यार, और क्या, हमारा मिशन होने वाला है कंप्लीट। और अब हम क्या करें, बस भागो और क्या। और दोस्तों मिशन हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।